तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे दो काफ़ी पॉपुलर TWS कंपेरिजन करने जा रहा हूँ। जो कि इस लेफ्ट साइड में मेरे पास आपको यहाँ पे ओप्पो का एंको एयर 2 प्रो, साथ ही आपको यहाँ पे राइट साइड में रियलमी बड्स एयर 3। तो गाइस, चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप अपने साथ अंत तक बने रहिएगा। गाइस, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपको यहाँ पे इन दोनों के बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में गाइस डिफरेंस से बात करके। तो गाइस, आप देख सकते हो कि हमारा जो डिजाइन है वो अपने यहाँ पे लेफ्ट साइड में ओप्पो का एंको एयर 2 प्रो, साथ ही राइट साइड में आपको रियलमी का बड्स एयर 3। दोनों पे अपने अपने यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है, आप देख सकते हो। बाकी सबको यहाँ पे डिजाइन की बात करेंगे तो हल्का सा आपको यहाँ पे साइज में आपको यहाँ पे बड़ा देखने के लिए मिलती है आपको यहाँ पे ओप्पो का एंको एयर 2 प्रो। बाकी रियलमी थोड़ा सा आपको यहाँ पे छोटा है, आपको यहाँ पे ऊपर में इसके फ्लैट दिया गया है, बढ़िया हल्का आपको यहाँ पे ओवल शेप का आता है गाइस पेबल डिजाइन। बाकी गाइस, आपको यहाँ पे बात करेंगे हम यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी की। गाइस देख सकते हो, इसको हल्का यहाँ पे ट्रांसपेरेंट देने का कोशिश किया गया है, आप देख सकते हो इसका ओवरऑल यहाँ पे आपको कैप है सो। बाकी गाइस, दोनों ही आपको यहाँ पे ग्लोसी फिनिश में आता है क्योंकि दोनों पे आपको काफ़ी सारे स्क्रैचेस आ चुके हैं, आप देख सकते हो। बाकी गाइस, मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे आपको एंको एयर 2 प्रो का डिजाइन थोड़ा सा बेटर लगे क्योंकि गाइस आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट डिजाइन देखने के लिए मिलती है। बाकी साइज का आपको यहाँ पे इतना बड़ा इशू नहीं है, साथ ही आपको यहाँ पे दोनों पर अपनी अपनी ब्रांडिंग मिल जाती है। बात करेंगे आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट की, तो आप देख सकते हो दोनों में मिलती है आपको यहाँ पे टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट। बात करेंगे आपको यहाँ पे दोनों के केस की, आपको यहाँ पे गाइस बैटरी बैकअप की, तो आपको यहाँ पे ओप्पो एंको एयर 2 प्रो में देखने के लिए मिलता है गाइस यहाँ पे आपको 28 घंटे की टोटल बैटरी बैकअप। बट गाइस, बात करेंगे आपको यहाँ पे रियलमी की, तो इसमें आपको यहाँ पे थोड़ा सा बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिलता है, लाइक आपको यहाँ पे 30 घंटे की बैटरी बैकअप आपको यहाँ पे देखने को मिलती है इनके केस में। गाइस, बात करेंगे दोनों के केस की, आपको यहाँ पे गाइस बैटरी बैकअप की, तो आपको यहाँ पे एंको एयर 2 प्रो में मिलता है गाइस आपको यहाँ पे 28 घंटे की बैटरी बैकअप। बट गाइस, बात करेंगे रियलमी बड्स एयर 3 की, तो गाइस इसमें मिलता है आपको यहाँ पे 30 घंटे की बैटरी बैकअप। तो गाइस, यहाँ पे आपको 2 घंटे का डिफरेंस है जो कि मेरे को लगता है उतना बड़ा नहीं है। बात करेंगे इस दोनों की यहाँ पे आपको गाइस फास्ट चार्जिंग की, तो गाइस आप यहाँ पे अगर ओप्पो एंको एयर 2 प्रो को 10 मिनट चार्ज करते हो तो आपको गाइस यहाँ पे ये 2 घंटे की प्ले टाइम अप्रोक्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देने वाला है। रियलमी बड्स एयर 3 की, तो गाइस आप इसको यहाँ पे 10 मिनट अगर चार्ज करते हो तो ऐसे आपको यहाँ पे 100 मिनट्स की प्ले टाइम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं 2 घंटे के आसपास। गाइस, बात करेंगे दोनों की कनेक्टिविटी की, तो गाइस दोनों में ही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं ब्लूटूथ वर्जन 5.2, जो कि आपको यहाँ पे आपके फोन से काफ़ी फास्ट कनेक्ट हो जाता है जैसे आप यहाँ पे इसके लीड को ओपन करते हो। बाकी ये इस बात करेंगे आपको यहाँ पर रेंज की, तो रेंज आपको यहाँ पर दोनों में 10 मीटर मिल जाती है। मेरे को यहाँ पर ठीक ठाक कनेक्टिविटी लगा, वैसे मेरे को यहाँ पर कोई इशू नहीं देखने के लिए मिला है डिसकनेक्टिंग प्रॉब्लम। आपको यहाँ पर थोड़े दूर जाने पर भी 10 मीटर का रेंज आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मिल जाता है। तो वैसे आप देख सकते हो ये है दोनों के बड्स। इस बात करेंगे दोनों के आपको यहाँ पर हल्के से साइज में डिफरेंस की, तो आप देख सकते हो हल्का सा जो रियलमी बड्स 3 इसका साइज हल्का सा छोटा आता है इसके स्टैंड की। बाकी इस बात करेंगे दोनों के लगे हुए अंदर में ड्राइवर्स की, तो ऐसे यहाँ पे अब हमारा जो ओप्पो एंको एयर 2 प्रो है इसमें मिलता है आपको यहाँ पे गाइस 12.4 mm के ड्राइवर्स। बात करेंगे इस रियलमी बड्स एयर 3 की, तो गाइस आपको यहाँ पे 10 mm के ड्राइवर्स देखने के लिए मिलते हैं। और गाइस, बात करेंगे आपको यहाँ पे फिटिंग की, तो इस फिटिंग आपको यहाँ पे दोनों में अच्छे देखने के लिए मिलती है। बट गाइस, आप यहाँ पे एक को चुनोगे तो मेरे को लगता है कि आपको यहाँ पे ओप्पो एंको एयर 2 प्रो का ज़्यादा बेटर फिटिंग देखने के लिए मिलती है। दोनों में आपको यहाँ पे एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे हमारा जो ओप्पो एंको एयर 2 प्रो है इसमें आपको यहाँ पे 38 डेसिबल की, पर इस बात करेंगे आपको यहाँ पे रियल बड्स एयर 3 की, तो गाइस इसमें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है 42 डेसिबल तक की आपको यहाँ पे गाइस एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, जो कि काफ़ी हैवी होता है मेरे ख्याल से। और इस बात करेंगे दोनों की बैटरी बैकअप की, तो गाइस हमारा जो एंको एयर 2 प्रो है इसमें गाइस आपको यहाँ पे बैटरी बैकअप जो देखने के लिए मिलती है आपको यहाँ पे 4 से 5 घंटे। बट इस बात करेंगे रियलमी बड्स एयर 3 की, तो गाइस इसमें जो आपको यहाँ बैटरी बैकअप है वो थोड़ा सा अच्छा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, लाइक आपको यहाँ पे 5 से 6 घंटे तक आराम से बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है रियलमी बड्स एयर 3। गाइस, बात करेंगे इन दोनों की गाइस यहाँ पे आपको साउंड क्वालिटी की, गाइस साउंड क्वालिटी किसकी बेटर है, तो गाइस मेरे को लगता है कि हमारा जो ओप्पो एंको एयर 2 प्रो है और गाइस यहाँ पे रियलमी बड्स एयर 3 है, दोनों में ही आपको गाइस यहाँ पे AAC और यहाँ पे आपको गाइस SBC की कोडेक देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आपको HD साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। पर गाइस, बात करेंगे यहाँ पे आपको जो बेटर साउंड क्वालिटी, तो गाइस को मेरे को लगता है आपको यहाँ पे ओप्पो एंको एयर 2 प्रो में डेफिनेटली देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा बेस भी देखने के लिए मिलती है आपको यहाँ पे ओप्पो एंको एयर 2 प्रो में, क्योंकि इसका थोड़ा सा ड्राइवर साइज आपको यहाँ पे बड़ा है 12.4 mm का। बाकी इस बात करेंगे इस आपको यहाँ पे रियलमी बड्स एयर 3 की, तो इसमें आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी मिल जाती है और बेस भी काफ़ी तगड़ी मिल जाती है। बाकी इस क्लैरिटी आपको यहाँ पे दोनों में देखने के लिए मिलती है, दोनों में से किसी में आपको यहाँ पे साउंड क्वालिटी के लिए आप यहाँ पे डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होने वाले हो, अगर ऐसे आप लोग यहाँ पे 4000 रुपये दे रहे हो तो। मेरे ख्याल से दोनों ही बड्स में आपको यहाँ पे इनके अपने अपने एप्लीकेशन के सपोर्ट देखने के लिए मिलती है,
लाइक आपको यहाँ पे ऊपर उनको एयर टू प्रो में हे मेलोडी का सपोर्ट देखने के लिए मिलती है। बात करेंगे रियल मी बड्स एयर 3 की, तो गाइस इसमें आपको यहाँ पे रियल मी लिंक ऐप का सपोर्ट देखने के लिए मिलती है। तो इस यहाँ पे आपको रियल मी लिंक ऐप में थोड़ा सा ज़्यादा फीचर यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं मेरे ख्याल से। आप इसके साउंड को भी कस्टमाइज कर सकते हो रियल मी बड्स एयर 3 में, बट इस मेरे को लगता है कि ओपो इनको एयर 2 प्रो में ऐसा उतना ज़्यादा आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। और गैस बात कर लेते हैं हल्के से आपको यहाँ पे गेमिंग लेटेंसी के बारे में, तो गैस मेरे को लगता है कि आपको यहाँ पे जो हमारा ओप्पो इनको एयर 2 प्रो है इसमें मिलती है 94 ms की लो लेटेंसी। बट गैस बात करेंगे रियल बड्स एयर 3 की, तो गैस इसमें मिलती है आपको यहाँ पे गैस 88 ms की लो लेटेंसी। तो गैस मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पे नॉर्मल से गेमिंग कर दे तो आप यहाँ पे वो रियलमी के साथ कर सकते हो, बाकी मैं आपको यहाँ पे ओप्पो के साथ रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि गैस आपको यहाँ पे 94 ms की लो लेटेंसी देखने को मिलती है, जो कि थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज़्यादा है। बाकी सब हम लोग आते हैं मैंने आपको यहाँ पे कॉल की क्वालिटी भी, गैस कॉल की क्वालिटी किसकी बेटर है, तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पे आपको माइक्रोफोन टेस्ट किया, मेरे को सुनकर बताओ कि आपको यहाँ पे दोनों में से किसके माइक्रोफोन की क्वालिटी बेटर लगी है गाइस। तो गाइस अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हो आप यहाँ पे ओप्पो एनको एयर 2 प्रो की माइक्रोफोन द्वारा सुन रहे हो, तो गाइस आप मेरे को बताओ कि आपको इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी लग रही है, क्या नॉइज यहाँ पे कर पा रहा है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एनएच के पास खड़ा हूँ जहाँ पे थोड़ी मोड़ी आपके यहाँ पे गाड़ियाँ भी चल रही है। तो जी गाइस अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हो आप यहाँ पे रियली बहुत अच्छी की माइक्रोफोन द्वारा सुन रहे हैं, तो गाइस मेरे को बताओ कि आपको इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी लग रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके रोड के साइड में खड़ा हूँ तो वहाँ पे आपको काफी सारी गाड़ियाँ भी चल रही है। तो गाइस ये सुना आपने इन दोनों की माइक्रोफोन की क्वालिटी, आप मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि आपको यहाँ पे दोनों से किसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी गाइस बेटर लगी है। तो गाइस चलिए हम लोग आते हैं अपने मेन वर्ड पे कि गाइस आपको यहाँ पे इन दोनों से कौन सा TWS परचेस करना चाहिए, कौन हो सकता है आपके लिए बेस्ट। तो गाइस मुझे लगता है कि आपके लिए अगर यहाँ पे गाइस साउंड क्वालिटी ज़्यादा प्रायोरिटी रखती है, ज़्यादा आपको यहाँ पे फीचर्स से मतलब नहीं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे मैं रिकमेंड कर सकता हूँ ओप्पो एनको एयर 2 प्रो। बाकी गाइस मेरे को लगता है कि इस रियलमी बड्स एयर 3 में आपको यहाँ पे थोड़े से मतलब एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे आपको थोड़े से बैटरी बैकअप बेटर यहाँ पे मिलने वाली है, साथ ही थोड़े से आपको यहाँ पे एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन का जो डेसिबल है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे बेटर मिलने वाला है। बाकी मेरे को लगता है कि इनका जो रियल मी लिंक ऐप है उसमें आपको यहाँ पे थोड़े से कस्टमाइजेशन ज़्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू ओप्पो एनको एयर 2 प्रो। बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे एक बेटर साउंड क्वालिटी चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे अभी भी रिकमेंड कर सकता हूँ यहाँ पे ओप्पो एनको एयर 2 प्रो, काफ़ी गाइस अच्छी इसकी साउंड क्वालिटी है डेफिनेटली। अगर ऐसे आपको यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स चाहिए तो डेफिनेटली आप यहाँ पे रियलमी बड्स एयर 3 को परचेस कर सकते हो, काफ़ी सारे आपको यहाँ पे फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे इनके यहाँ पे ऐप की कनेक्टिविटी के बाद। बाकी इसमें आपको हमें जो बेटर ANC है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले रियलमी बड्स एयर 3 में। तो गाइस चलिए ये थी आपको यहाँ पे छोटी सी कंपेरिजन वीडियो ओप्पो एनको एयर 2 प्रो वर्सेस यहाँ पे गाइस आपको रियलमी बड्स एयर 3 की। आई होप गाइस ये वीडियो आपको गाइस यहाँ पे पसंद आई होगी, अगर आपको गाइस ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो जो बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा। और गाइस अगर आप यहाँ पे इन दोनों में से किसी भी TWS को परचेस करना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से परचेस करेंगे तो हमारे चैनल को गाइस यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी। तो गाइस चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।